बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। बसपा के नव निर्वाचित सांसद पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। बसपा के घोसी से सांसद अतुल रॉय पर है बलात्कार का आरोप। केस दर्ज होने के बाद से ही लगातार फरार चल रहे बसपा सांसद। सुप्रीम कोर्ट ने अतुल रॉय को गिरफ्तारी से अंतरिम छूट देने से किया इनकार। अतुल रॉय ने अपना चुनाव प्रचार भी नहीं किया था, फिर भी जीत गए लोकसभा का चुनाव। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की घोसी से नए नवेले सांसद अतुल रॉय पर 1 मई को बलात्कार का आरोप लगा था। उसके बाद से ही अतुल रॉय अपने लोकसभा क्षेत्र से फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी तरफ से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने घोसी से बसपा सांसद अतुल रॉय को जमानत देने से इनकार कर दिया। उसके बाद से अब ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि नए नवेले बसपा के सांसद सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद संसद में संसद के अंदर नए सांसदों को दिलवाई जाने वाली संविधान की शपथ कैसे ले पाएंगे। आपको बता दें कि 1 मई को वाराणसी की एक लड़की ने बसपा के नेता अतुल रॉय पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। उसके बाद अतुल रॉय गायब हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में बिल्कुल भी प्रचार नहीं किया था, जबकि इस क्षेत्र की कमान प्रचार स्वयं बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव ने संभाली थी। साथ ही इस क्षेत्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी की स्थानीय कमेटियों ने उनके समर्थन में लगातार प्रचार किया, जिसके बाद अतुल रॉय ने अपने निकटवर्ती भाजपा प्रत्याशी हरि नारायण को बड़ी मात्रा से हरा दिया। लेकिन अब ये सवाल खड़ा होता है कि संसद के अंदर अतुल रॉय शपथ कैसे लेंगे।